ये चादर कितने की है? ये तकरीबन आपको पड़ेगा 7,500। ये हाथों से तैयार हुई है जी। ये कंबल का कंबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैजान सतकीरी, अपना यूट्यूब चैनल कश्मीर ब्यूटी। उम्मीद करना सारे पनाबरा बुजुर्ग ठीक ठाक हो, खुश खुश हो, अल्लाह तआला ने मान जो सो। जैसे कि असं इतना खतलू बाजार ने अंदर इस टाइम मौजूद हैं, पहले मुख्तलिफ वीडियो से ही दसियाँ आस्ता आस्ता जरा ना अस इस इलाके काफ़ी कवर करी चुके हैं। हूँ अस इतना बाजार ने अंदर चलने दुकाना पर उतू जी रेट पुछने इन्हें चीज़ें इतना रेट क्या है ताकि तुसा भी सारे भैनों भ्राएं ही पता लग जाए इसने बारे च और रेट बगैरा पुछने। उस तो पहले तुसा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करी और बैल आइकन प्रेस करी नई वीडियो अपलोड करसा से जल्दी मिल जैसी। चलो जी अस अंदर आई गए, तुसा कपड़े बगैरा तकने सो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नज़र अच्छे। इधर जो कपड़े जितने भी लगे हुए ये बच्चिया ने और इस साइड इंग्लिश कपड़े भी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? दुआ है जी आपके, आप सुनाओ। अच्छा मुझे ये बताएं जो इधर कोट हैं और उसके बाद ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं, ये इनके रेट क्या क्या है इधर? रेट तो इस साल थोड़ा भरे हैं, बच्चों का आपको गर्म कोट 2,200 से 3,000 के रेंज में मिल जाते हैं। अच्छा। बड़ों के 3,200, 3,500, 5,000 से 8,000, 9,000, 10,000 तक के रेंज में मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये कौन सी कंपनी है? ये है तो लोकल आते है, इसमें कोट ऑफिशियल वो रेम्बो वालों का आता है, नेक्स्ट वालों का आता है। अच्छा जी, और बाकी चाइना नॉर्थ फेस वगैरह आते हैं। अच्छा, जो इधर शूज पड़े हुए हैं इनका क्या रेट है? शूज तो बेसिकली मेरे पास है जी अरवन सोल प्री कार्डन में। अच्छा, ये 4,200, 4,800, 5,000, 8,000 तक के रेंज में हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ चीजें महंगे होने की वजह क्या है? महंगे होने की वजह किराया बढ़ गया, एक तो बाय रोड का किराया बढ़ गया सामान का। अच्छा। तो आपको पता है पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल डीजल जब भी बढ़ते किराए महंगे होते हैं तो सामान भी थोड़ा अच्छा महंगे आ जाता है। इधर जो ये दुकान है ये आपकी अपनी दुकान है या आपने किराए पर ली हुई है? किराए पर ली हुई है। आपके यहाँ के रहने वाले? जी जी जी, इधर के। यहाँ दुकानों का किराया क्या है? दुकानों का इधर मेन बाजार में 5,000, 8,000, 10,000 के रेंज में, ऊपर अच्छा। तो 2,000, 3,000 में मिल जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो बिजली है वो सस्ती है महंगी है? बिजली तो शहर की नस्बत इधर सस्ती है। ये इधर कितना का बिल आता है महीने का? दुकान का महीने का कम से कम आते तकरीबन 350-400 ही आते हैं, इसमें 8-10 बल्ब के। अच्छा जी, ये बल्ब से हिसाब होता है या मीटर लगाते? मीटर हैं? लगाते हैं, सामने मीटर लगा। अच्छा, अच्छा। मीटर के हिसाब से होते हैं। बिल्कुल इधर तक खींच सकनी हो मीटर लगा और जिसका सेम टू सेम उधर साढ़े पास मीटर लगा हुआ है। और ये लेडीज जो कोट है ये कितने का? लेडीज कोट तो मिल जाएंगे आपको 1,800 से तकरीबन 5,000 तक के रेंज। अच्छा, ये इधर का बना हुआ है या उधर से? नहीं नहीं, चाइना है सब। चाइना है, चाइना वाला है, सारा चाइना वाला, इधर का नहीं बनते हैं। यहाँ कोट वगैरह बनाते हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ का एक वुलन कोट बनाते हैं जी, वो जी। आपको तकरीबन इधर ही बनते हैं जी, जी। में वो कितने का है? वुलन इधर आपको मिल जाएंगे 20,000, 25,000। अच्छा जी, उसको हम बल्ती ड्रेस बोलते हैं। अच्छा जी, 100% वुल। आपका बल्ती ड्रेस कितने का है? वो आपको 20,000, 22,000 ऊपर ऊपर मिलेंगे। अच्छा, मर्दाना भी और मर्दाना भी जनाना भी दोनों आज हो गया। और ये आप खुद भी तैयार करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो ये सारा चाइना और लोकल। अच्छा, पाकिस्तान का। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो डिमांड देना पड़ता है बनाते हैं। अच्छा, इतना सा दुकान पर आए कोई दो पट्टे उसके बाद इतने औरतों ने लिबास वो भी आया इतना रेट वगैरह पूछता। और अस्सलाम वालेकुम। भाईजान मुझे ये बताएं ये औरत वाले जो सूट हैं इनकी क्या प्राइस है? इनकी मुख्तलिफ है जी, 1,200 से लेकर 3,500, 4,000 तक के मुख्तलिफ है इनकी प्राइस। अच्छा, पहले सस्ता था। अच्छा जी, अभी आए दिन रोज़ बरोज़ बना हर चीज पे हर उस पे कीमत बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये आप सामान जो है किधर से लाते हैं? ये कपड़ा लाहौर से, लाहौर से लाते हैं, से लाते हैं। अच्छा, यहाँ का लिबास जो इस इलाके में बनता है लेडीज तो तकरीबन बनता है, ये हमारा अपना देसी है। ये आपका बना हुआ? इधर का बना हुआ। ये चादर कितने की है? ये तकरीबन आपको पड़ेगा 7,500। ये देसी है, हाथों से तैयार हुई है जी। ये कंबल का कंबल है, ये कंबल है, बहुत जबरदस्त है। ये क्या चीज इस्तेमाल की है? ऊन का, अपना जो भेड़ बकरियों का नहीं होते जी जी, वो उतार के इसको बना देते हैं। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में गर्म होती है। हाँ गर्म होते हैं, कंबल से भी ज्यादा, ऊपर नीचे रात को आप उड़ा लेना। ये कंबल है, ये कंबल है जी। इसका वजन चेक करें, जो वजन चेक कर लो आप, देख लो ना इसका वजन। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इसका वजन है कंबल से। आपके पंजाब का वो चादर देख लो,
ये कितने दिन लगते हैं इसको बनाने के लिए? ये ज्यादा से ज्यादा आपको महीना लग जाएगा, महीना लग जाएगा, क्योंकि इसको निकाल के फिर उसमें से उतार के फिर उसको भून के फिर उसको अपना देसी वो मशीन एक होता है उसमें से भून भून छून के वो बना लेते हैं, फिर उसको अपना देसी उसमें पानी में भिगो के इसको तो दो तीन दिन उसमें वो निकालना पड़ता है, फिर आखिर में ये बन जाता है। अच्छा, ये देसी है, स्पेशल है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। बैठो चाय पीते हैं, बैठो, थैंक यू, बैठो, हम चाय पीते हैं, बैठो। अच्छा दोस्तों, एक और भी चीज़ दसने कि इतना मोटरसाइकिल वगैरह भी बल लेते हैं और भाई साहब इंजन करने मोटरसाइकिला ना और हुंडा, ठीक है, इतना समान अस तरीके भी मिली जाना। अगर जो बंदे अच्छे पे मोटरसाइकिल पर सफ़र करने अगर मोटरसाइकिल खराब हो जाने इतना समान वगैरह मौजूद आ मिली सकना और इधर गड्डियां दी लाइटा भी मौजूद दी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्रिया। और मुझे ये बताएं ये जो मोटर बाइक है इसका इंजन कितने में करते हैं? इसका मुख्तलिफ किस्म के हम बना लेता है, तकरीबन 4-5 हज़ार के भी बन सकता है, तकरीबन 10 हज़ार के भी बन सकता है। अच्छा, जो 1-5 है जी, 1-5 का। इधर जो 70 है वो चलता है यानी चलता है 1-5। इसके अलावा और कौन से बाइक चलते हैं? इधर सुजुकी भी चलता है, डिलेक्स भी चलता है, यामाहा भी चलता है, सारा बाइक चलता है इधर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आखने इधर हर किस्म का जरा ना मोटरसाइकिल जेडे 70 चाहना ना बनता हुआ वो भी इधर चलना है और उसके बाद 1-5 जरा होंडा वो भी इधर चलना, तो सुजुकी भी माशाल्लाह इतना ये भी चीज़ें मौजूद हैं, टेंगियाँ वगैरह भी आई हैं। थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, शुक्रिया। अच्छा जी, आ कुछ बाजार ने सीन ने हर तरह नहीं इतना चीज़ मिली जानी है, साढ़े उत्थान ने नस्बत ही थोड़ी महंगी ज़्यादा ना सफ़र भी काफ़ी आ इधर जड़ा करे वो ज़्यादा पी जाना जिस वजह थी तो चीज़ा काफ़ी ज़्यादा इतनिया ज़्यादा भी ने महंगी ना आखी सकने क्योंकि जितना इन्होंने इतना दूर अच्छा समान कितना टाइम जया होना उस तरीके ने इतनिया ज़्यादा नहीं मिली है। और फ्लिपकार्ट लेडीज कपड़े मौजूद है और उसके बाद यह भी है कि इन्होंने जबान थोड़ी मुख्तलिफ ही इन्होंने अपनी जबान नहीं असें तो समझ कौन इश नहीं है तो थोड़ा मुझ कोशिश की उर्दू शुर्दू बोली तो समझने नहीं समझा नहीं नहीं तो काफ़ी इतना जो कुछ दुकानदार है उर्दू बोली भी किन्ने पर कम करने पे लकड़ियाँ चीरने पे और इधर गड्डियाँ नहीं और शॉप ही गड्डियाँ रिपेयर करने पे
अच्छा दोस्तों से बाजार दसिया तो नीचे छने जो थोड़ा जहा व्यू सा वो भी सही दस इस टाइम अस रोड जी मेन रोड ही उस पर पहुंची आया और इतना सही दसने कि बर्फ आस पास पहाड़ों पे भी है। अगर इस साइड के मैं मूवमेंट करना हो ऊपर भी पहाड़ों पे भी इस साइड पे पहाड़ों पर बर्फ पे भी इधर नीचे पानी जाना है ठीक है। उसके बाद मैं तुसें यह भी दसना कि इतना तुम अगर फिरने थुरने अच्छो इस चीज़ ही मैं ये भी वाजिया करी छना कि लोशन वगैरह कोई वैसलीन ये नाल सौ लाजमी कि नहीं रहा कि इतना चेहरे बंदे ने खराब होने शुरू हो जाने माड़ा काफ़ी चेहरा खराब हो गया अस दो दिन पिछले दिन उसके बाद यह है कि असं समान ढंग सा उसके बाद मैं तेनी दवाई लाजमी आने कि इतना बंद इतना ने खाने खाने उसके बाद बंदे ने मैं तो वही गड़बड़ करी जाना मैं ये चीज़ा तो दसना हाँ जोड़े बंदे अच्छे शौकीन ने फिरने लिए और चीज़ा समझी जान तुस जो भी इच्छो ना अपना कंबल वगैरह नाल किन्नी आनो इतना देने आए पिछले जोड़े होटल से उन्होंने पर इतने मोटे कंबल नहीं से इतना अस रहे खपलू ने अंदर अस इतना रहे हैं के टू पर अस गए उतना अस रूम किनिया उतना अस जरा कंबल दिते ने और ना रजाई भी दी ने डबल सिस्टम सा इस मौसम ज सर्दी वह तो आने ज सर्दी को नहीं हुई है मगर अस इतनी सर्दी लगनी सी कि सोच नहीं सकना हूँ इस टाइम अस आधा नीचे मेन रोड है वो चौक से नजर अच्छा उसी हूँ सो इजाजत गिन सा क्योंकि हूँ अस मुड़ी वापस करदू वाली साइड जाना उतना कुछ एरिए से अस छोड़ी आए इसके बाद उसने वीडियो ऐसी अस गल थोड़ा तू आया उसकी वजह थी माड़ा थोड़ी प्रॉब्लम होनी है क्योंकि इतना अच्छे के बाद थोड़ा मौसम चेंज होने की वजह थी एलर्जी भी बड़ा जोर करी जानी सी निछा भी मारी मारी ना तो थकी गई सो इतना तो खाना जरा हल्का फुल्का खाना है कि सेहत ना खराब है अस हाल हल्का फुल्का खाने से उसने बावजूद भी थोड़ी मुझ सेहत खराब हो जानी रही है तो यह है कि ज़्यादा नहीं खराब हुई अल्लाह पाक ने शुक्र है ठीक रहे और तकने उस ये टोपी अस लाए भी ये टोपी बड़ा कम करनी है और बड़ा फायदा होया ये टोपी में दो नाल आंदियाँ इसका तो यह मी फायदा दे गई है इतना इस कम नेटवर्क यूज होना है वह भी तुम इस कम नहीं सिम कि अच्छा या इतना इसो जू ही गिलगिती एंटर हो सो या पिछले जिधर एरिए उन्हें एंटर हो सो तुम इस कम ने उत सिम चाहिए ने हूँ अस इतू वापस जासा कर दू ठीक है सफर ही काफ़ी ज़्यादा इतना दिन रोडा माशाल्लाह हूँ बेहतरीन हो गई जबरदस्त दिन रोडा करपीट रोडा बन गया कुछ जहाँ थोड़ा मुच जड़े टाके रहे वह बाद कंप्लीट हो जा सुन गया 2022 ने शुरू होने तो पहले पहले कंप्लीट कर सुन तो जे नए भैन भ्रा इस चैनल पर आए उन्होंने रिक्वेस्ट चैनल लाजमी सब्सक्राइब करी अजा मजीद असा का और जो वीडियो अपलोड कर सौ जल्दी मिली जा सुन हूँ अगली वीडियो ने इंतजार करो इंशाल्लाह कल तक कोई वीडियो आए जैसी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात उसी अल्लाह सुनने वाला बाय।